السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول أو كما قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تحامة بيزا فيجعلها الله عز وجل هباء منصورا قال صوبان رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها رواه ابن ماجه أو كما قال فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی
हम्द सना और प्यारे आकाए करीम अलैहि सलातो वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के बाद अहले इलम इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं के कलामों में से बेहतरीन कलाम, बातों में से सबसे बेहतरीन बात, किताबों में से सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब कुरान है, और रास्तों में से सबसे बेहतर रास्ता, शरीयतों में से सबसे बेहतर शरीयत अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का रास्ता और शरीयत है। जो शख्स अल्लाह की किताब कुरान को और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बात को, आपके रास्ते को इख्तियार कर लेता है, अपना लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया भी बेहतर कर देते हैं और आखिरत भी बेहतर कर देते हैं। एक किताब है इब्ने अबी दुनिया की, रहिमहुल्लाह की, किताब का नाम है किताबुल इखलासी व निया, नियत का इखलास। उस किताब में सलफ सालिहीन के कई अकवाल उन्होंने कलम बंद किए हैं। उनमें से एक कौल वक्त के बहुत बड़े हुक्मरान खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह तआला का कौल है, अल कलिमु तैयब इस किताब में एक बाब बंद और उसके तहत नकल किया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाले थे, ख़ासकर तन्हाई में, खलवत में, अलहदगी में, प्राइवेसी में अल्लाह से बहुत डरा करते थे। जब लोगों को खुतबा देते, मुखातब करते, वाज करते, नसीहत करते, तो वो अपने खुतबा में ये कहा करते थे, या अय्युहन्नास ए लोगो अस्लिहु आखिरतकुम युस्लिहिल्लाहु लकुम दुनियाकुम, लोगो तुम अपनी आखिरत को संवारने की फिक्र कर लो, अपनी आखिरत की इस्लाह कर लो, अपनी आइंदा की ज़िंदगी के लिए कुछ सोच लो। जब तुम्हारी कोशिश ये होगी कि हमारी आखिरत संवर जाए, हम आखिरत में कामयाब हो जाएं, तो अल्लाह सुबहानहु व तआला तुम्हारी दुनिया खुद ही बेहतर कर देगा। अगला जुमला जो हमारा मौजू भी है, अभी आपने कारी साहब की ज़ुबान से सुना भी, खलवत पकीज़ा तो जलवत रोशन, कि अगर हम अपनी तन्हाई को, अलहदगी को, खलवत को पकीज़ा बना लेते हैं,
गुनाहों से बचा लेते हैं तो अल्लाह सुबहानहु व तआला हमारी जलवत को भी बेहतर कर देगा। अगला जुमला बड़ा काबिले गौर है, कहा करते ऐ लोगों अस्लिहू सराइराकुम युस्लिहिल्लाहु लकुम अलानियतकुम। लोगों जो आपके पोशीदगी वाले मुआमलात हैं, तन्हाई वाले मुआमलात हैं, खलवत के लम्हात हैं, कहा तुम उनकी इस्लाह कर लो, अपनी तन्हाई के बारे में फ़िक्रमंद हो जाओ कि खलवत में तन्हाई में हमसे कोई अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी जो आलानिया चीज़ें हैं, जो ज़ाहरी चीज़ें हैं, जो लोगों के सामने की तुम्हारी ज़िंदगी है, अल्लाह उसको खुद ही बेहतर कर देगा। हमारा मुआमला भाइयों ये है कि हम तन्हाई में तो अल्लाह से डरते नहीं, खलवत में हम कभी हुदूदुल्लाह का ख्याल नहीं रखते, लेकिन जलवत में कोशिश करते हैं कि लोगों की नज़र में हम नेक बन जाएं। ये मसला जब से मेरे और आपके साथ शुरू हुआ है तब से हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी, बेचैनी और इस तरारी कैफियत पैदा होना शुरू हो गई है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह ताला का ये जो जुमला है ये बड़ा कमाल का है कि लोगों अपने पोशीदा मामलात को तुम बेहतर कर लो, अपनी खलवत को तुम पाक कर लो, अपनी अलैदगी को, तन्हाइयों को तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी से बचा लो, अर्श वाला रब तुम्हारे ज़ाहरी मामलात को खुद ही सही कर देगा। सूरह निसा की आयत नंबर 108 मैंने आगाज में पढ़ी। हमारी हालत क्या है भाइयों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान में बात की है ये बिल्कुल आज हमारे मुआशरा के ऊपर फिट आती है। आज जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं बिल्कुल ये हमारे ऊपर फिट आती है। और वो क्या है? यस्तग़फ़ून मिनन नास, कि हम कोई भी गुनाह का काम करने लगे, अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, शैतान को खुश करने लगे तो हम क्या करते हैं? छुपाव से काम लेते हैं। कोई बंदा मुझे देख ना ले, मेरी गली का, मेरे मोहल्ला का बंदा मुझे देख ना ले, घर में मेरी बेटी, मेरा बेटा अपने मोबाइल फोन के ऊपर कोई गलत वेबसाइट ओपन करके कुछ देख रहा है तो वो भी छुप के देख रहा है कि मेरी वालदा को पता ना चल जाए। यस्तग़फ़ून मिनन नास, वो लोगों से छुपाव करते हैं। वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह, अल्लाह से छुपाव नहीं करते, अल्लाह से छुपने की कोशिश नहीं करते। वहुवा माअहुम, हालांकि वो अर्श वाला रब तो हर वक्त इंसान के साथ होता है। अपनी सिफात के एतबार से वो अर्श वाला रब तो हर वक्त देख रहा होता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास सैयदुना जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते हैं। बड़ी मशहूर ये रवायत और हदीस है, हदीस जिब्रील के नाम से इस हदीस को याद किया जाता है और बयान किया जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए, एक सवाल ये भी किया, अखबिरनी अनिल एहसान, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एहसान के बारे में बताए कि एहसान क्या है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, अंतअबुदल्ला कअन्नका तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। ऐ पूछने वाले, याद रख अल्लाह की इबादत ऐसे किया कर जैसे तू अपने रब को अपनी आंखों से देख रहा है। और अगर ये कैफियत ईमान की पैदा ना हो तो फिर ये याद रख कि अर्श वाला रब तुझे देख रहा है। आज अपनी नमाजों का हम थोड़ा सा जायजा ले, हमारी नमाजों की हालत क्यों खराब हो चुकी है, हमारी नमाजों से खुशू और खुजू क्यों निकल चुका है, क्योंकि ये दोनों कैफियतें ही हमारी नहीं होती। ना तो इस बात पे यकीन है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं और ना इस बात पे यकीन है कि अल्लाह हमें देख रहा है। खलवत में असल गुनाह तब होता है जब हम ये समझ बैठते हैं कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा। तन्हाई में नाफरमानियां तब होती है जब हमारे दिलो दिमाग में शैतान ये बात डाल देता है, ये वसवसा डाल देता है कि तुम्हें आप कोई देखने वाला नहीं है, छुप के गुनाह कर लो, बंद कमरे में, बंद कोठरी के अंदर, अपने कारखाने के अंदर, सहराई इलाके में, जंगल बियाबान में अब तुम गुनाह कर सकते हो क्योंकि तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। लोगों से छुपाव करते हैं, अल्लाह से छुपने की कोशिश ही नहीं करते। रोजे की आमत ऐसे कुछ लोग अल्लाह के हजूर पेश किए जाएंगे, अल्लाह की अदालत लगी होगी और ऐसे लोगों को पेश किया जाएगा, बेनमाज भी नहीं, रोजा तर्क करने वाले भी नहीं, हर साल हज उमरा करने वाले होंगे और नफली रोजे भी रखने वाले, क़ियामुल लैल भी करने वाले, रातों को उठ उठ के तहज्जुद भी पढ़ने वाले, रमजान में नमाज तरावी भी अदा करने वाले, लेकिन कल क़ियामत को जब अल्लाह की अदालत में आएंगे, नेकियों के अंबार लगे होंगे। सुनन इब्ने माजा की रवायत है, मैंने आगाज में पढ़ के सुनाई, सैयदोना सौबान रज़ी अल्लाहु अन बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जानता हूं, मेरी उम्मत के कुछ लोग हैं जिनका मुझे इल्म है, मुझे बतला दिया गया है, बजरिया वही मुझे आगाह कर दिया गया है, लअअलमन मैं अल्लाह का रसूल जानता हूं। या तू न यौमल कियामा, रोजे कियामत आएंगे, रोजे कियामत और हालत क्या होगी। अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम फरमाते हैं, इतनी नेकियां लेके आएंगे, इतनी नेकियां जैसे तिहामा के बड़े बड़े बुलंदो बाला पहाड़ होते हैं, का इनकी नेकियां भी इस कदर ज्यादा होंगी। बीजा चमकती हुई धमकती हुई सब देख रहे होंगे, इतनी नेकियां लेके ये आ गया, इतनी ज्यादा नेकियां इसने की है, कहीं रोजे नजर आते हैं, कहीं नमाज नजर आती है, कहीं ज़कात नजर आती है, सदका खैरात नजर आता है, हज और उमरा नजर आता है, दावत तबलीग की बातें नजर आती है, जिहाद नजर आता है और कई रफायामा के काम नजर आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतनी नेकियां सबके सामने अंबार लगे हुए पहाड़ों की शक्ल में नजर आ रही होंगे, फयजअलुहल्लाह अल्लाह उन्हें क्या करेगा, अल्लाह उन्हें कर देगा हबा मंसूरा, जैसे गर्द होता ना गर्दो गुबार, अल्लाह गर्दो गुबार बना के उन नेकियों को हवा के अंदर उड़ा देगा। सारी की सारी नेकियां अल्लाह खत्म कर देगा और गर्दो गुबार कौन सा, हबा मंसूर की तफसीर
سورہ الفرقان کی آیت نمبر 23 میں لکھی ہے اہل علم نے اور مفسرین نے, کہا جب سورج کی روشنی کسی دیوار کے سوراخ کے راستے سے کمرے میں چھوٹا سا سوراخ ہو اور اس سوراخ کے راستے سے روشنی اندر آ رہی ہو اور اس روشنی پہ غور کرے تو ہمیں ذرات نظر آتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ یہ ذرات ہیں, پکڑنے کی کوشش کرے تو پکڑے نہیں جاتے, کہا اصل میں یہ ہوا ام منصور ہے. اتنی اہمیت بھی نہیں ہوگی, نیکیوں کے انبار لگے ہوئے لیکن ساری نیکیاں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ ان کو برباد کر دے گا. وہ صحابی تھا رضی اللہ عنہ, فکر مند ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ایک آج کا مسلمان ہے, ایک آج کا نوجوان ہے, ایک آج کا وائز ہے, ایک آج کا مبلغ ہے, کہ اس کو تو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے. فوراً کہہ اٹھے, فوراً اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صف ہم لانا, جل ہم لانا, ان کے اوصاف کیا ہیں, ان کی حرکتیں کیسی ہوں گی, کیا مسئلہ ہے کہ اللہ اتنی زیادہ نیکیوں کو ہبا ام منصور بنا کے ختم کر دے گا, ضائع کر دے گا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ذرا بتائیں وہ کون سے لوگ ہیں, کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نکون منہم. کیا آج میری اور آپ کی فکر یہ ہے؟ کہیں ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہے؟ کہیں وہ لوگ ہم تو نہیں ہیں؟ آپ بتائیں ہمیں. وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ, کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے. صحابی رسول ہے اور کہہ رہے ہیں ہمیں پتا نہیں کہ ہمارا شمار کہیں ان میں تو نہیں ہوتا. یہ فکر تھی اس وقت کے اہل علم کی, اس وقت کے ایمان والوں کی. اور آج ہماری کفیت کیا ہے؟ آج ہم مسائل سنتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, قرآن سنتے اور سناتے ہیں, لیکن جو ہی تنہائی میں جاتے ہیں, خلوت میں جاتے ہیں, علیحدگی میں جاتے ہیں, جو ہی گناہ کا موقع ملتا ہے, اللہ کی نافرمانی کا موقع ملتا ہے, ہم فوراً وہ گناہ کر گزرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے, اما انہم اخوانکم, اے پوچھنے والے صحابی رضی اللہ عنہ, وہ تمہارے بھائی ہوں گے, کلمہ پڑا ہوگا, ایمان والے ہوں گے, نیکیاں کرنے والے ہوں گے, وَمِن جِلْدَاتِكُمْ, تمہاری جنس سے ہوں گے. اور اگلی بات بڑی اہم ہے, وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ, کہا فجر, زور, عصر, مغرب, عشاء, یہ تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, کہا وہ ویسے ہی راتوں کو قیام کیا کرتے ہیں یا قیام کرتے ہیں, ویسے ہی تہجد پڑھتے ہیں, ویسے ہی قیام اللیل کرتے ہیں جیسے راتوں کو تم قیام کرتے ہو. قیام بھی کرتے ہیں لیکن پھر مسئلہ کیا ہے؟ اتنی بڑی نیکیاں, بلند و بالا پہاڑ تہامہ کے اس کے برابر نیکیاں, اور اللہ ان کو ہبا ام منصور بنا کے اڑا دے گا. کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی اس حدیث پہ غور کیا؟ امام ابن ماجہ اس کو کتاب الزہد میں, کتاب اور باب و ذکر ذنوب کے اندر گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر لیکن ہبا ام منصور بن جائیں گی, گرد و غبار بنا کے اللہ ہوا میں اڑا دے گا, ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں, ولکنہم اقوام, یہ ایسے لوگ تھے, ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں قیامت والے دن عرش والا رب ختم کر دے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے, اذا خلو بمحارم اللہ انتہاکوہا,
जब ये अलहदगी में जाते थे, जब ये खलवत में जाते थे, जब ये तन्हाई की जिंदगी में होते थे, या जहां इन्हें गुनाह का मौका मिलता था, अल्लाह की नाफरमानी का मौका मिलता था, हुदूदुल्लाह को पमाल करने का मौका मिलता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये एक लम्हा के लिए भी ताखीर नहीं करते थे, उसी वक्त हराम का इर्तिकाब कर जाते थे। खलवत अगर पकीजा हो, खलवत गुनाहों से पाक हो, तो जलवत अल्लाह बेहतर कर देता है, जलवत रोशन हो जाती है। और खलवत में गुनाह होता कैसे है, खलवत है क्या? तन्हाई। और एक बात याद रखना, अहले इल्म ने यह बात भी नकल की है कि असल में इंसान की पकीजगी का आगाज खलवत की जिंदगी से होता है। खलवत की जिंदगी से आका करीम अलैहि सलातो सलाम की जिंदगी को पढ़ के देखें, वही नाजल होने से पहले आप खलवत की जिंदगी इख्तियार करते थे। और सही अल बुखारी में रिवायत मौजूद है, पहले बाब के अंदर अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम अपनी खलवत को पकीजा करने के लिए गारे हिरा में जाया करते थे। हमारी जिंदगी की खलवत गुनाहों से शुरू होती है, इसलिए ना हमारी खलवत पाक ना हमारी जलवत पाक। जलवत में जितना चाहे हम अपने आप को पाक साफ करके दिखा लें, लेकिन जिस बंदे की खलवत न पाक है, खलवत गलीज है, खलवत गुनाहों से भरी हुई है, अल्लाह की नाफरमानियों से भरी हुई है, अल्लाह की कसम उसकी जलवत में भी वो बुराइयां नजर आ जाती है। जो आदत खलवत में पड़ी होती है बुराइयां करने की, गुनाह करने की, वो जलवत में भी नजर आ जाती है। और जो खलवत में अपने आप को पाक रखता है, गुनाहों से बचाता है, नाफरमानियों से बचाता है, फिर जलवत में भी अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। यह कमाल कम लोगों को हासिल है, यह सिफत कम लोगों में है। हमारी खलवतें पाक नहीं। अगर हम अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहते हैं, अपनी जलवत को बेहतर करना चाहते हैं, तो आइए अपनी खलवत को पकीजा बनाने की कोशिश करना शुरू कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे हुए और दावत और तबलीग में मसरूफ रहते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह कहते हैं फाइजा फरगता फन सब, दावत का काम करके, तबलीग का काम करके, जिहाद करके, खैरखाई करके, लोगों के गम बांट के, अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम को अल्लाह कहते हैं जब इन सारे कामों से तुम फारिग हो जाओ तो फिर थोड़ी सी अलग से मेहनत भी कर लिया करो। वाइला रब्बी का फरगब, वो एक मखसूस वक्त में तन्हाई में खलवत में बैठ के अल्लाह से बातें कर लिया करो। हालांकि मेरे आका अली सलातो सलाम की एक एक घड़ी और आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरता था, लेकिन अल्लाह फिर भी कहते हैं फाइजा फरगता फन सब। ये दर्स है, ये सीरत नबी है, ये आका करीम की जिंदगी का बेहतरीन नमूना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी पकीजा बन जाए, गुनाहों से पाक हो जाए, हमारे नफ्स के अंदर जो गलासत है बुराई की, शिरक की, बिदात की, अल्लाह की नाफरमानियों की और शैतान की तरफ से आने वाले वसवसों की, उनका खात्मा हो जाए, तो आज से ये अल्लाह से अहद करें कि कुछ वक्त ऐसा निकाले, बच्चों से अलग होके, बीवी से अलग होके, सारे दोस्तों से अलग होके कुछ वक्त निकाले तन्हाई का। आप हूं और अर्श वाला रब देख रहा हो, उस वक्त रब को राजी करें, अल्लाह बड़ा खुश होता है। वाइला रब्बी का फरगब, अपने रब की तरफ रजू कर लिया करें।
तन्हाई खलवत, उसमें अगर इंसान गुनाहों से बच जाता है, खलवत में गुनाह होता कैसे है? इंसान हो और गुनाह का मौका हो, तन्हाई हो, यह मतलब नहीं है कि इंसान बिल्कुल अकेला हो, ना उसके पास मोबाइल हो, ना कोई खतून उसके पास हो, ना कोई शराब की बोतल उसके पास हो, ना कोई और बुराई का काम हो, और आप कहें कि अब वो खलवत में है और गुनाहों से बचा हुआ है। गुनाह का मौका हो, कहीं औरत की शक्ल में, कहीं शराब की शक्ल में, कहीं जुवे की शक्ल में, कहीं अल्लाह की नाफरमानियों की शक्ल में, मुख्तलिफ तरीकों से गुनाह का मौका उसके पास हो, लेकिन वो गुनाह इसलिए ना करे कि अर्श वाला रब देख रहा है। अल्लाह दुनिया में भी इनाम देता है और आखिरत में भी इस्ते अता कर देता है। चंद बातें इस हवाले से देखें कि खलवत में अल्लाह से डरने का, खलवत में तन्हाई में अपने आप को गुनाहों से दूर रखने का फायदा दुनिया में क्या होता है। पहला फायदा देखें कि जब इंसान तन्हाई में, खलवत में अल्लाह से डरता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मुश्किलात को आसान कर देते हैं। सही बुखारी में बड़ा मारूफ वाक्या आपने कई बार समाअत फरमाया है, किताब ज़का के अंदर और दीगर कुतुब के अंदर इस हदीस को इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी ने नकल किया है। सही बुखारी में 5 बार यह रिवायत आई है। आपने गार वाला वाक्या बड़ा मशहूर 3 लोगों का सुन रखा है। उनमें से एक शख्स वो है जो अपनी चचाजाद बहन के साथ गुनाह करना चाहता था, उसके साथ जिना करना चाहता था, बदकारी करना चाहता था। जब बदकारी करने लगा, लंबी हदीस है, इख्तिसार के साथ इशारा कर रहा हूं, उस औरत ने कहा इत्तकिल्ला, अब एक ये खुद है और एक बुराई का मौका है, बुराई का मौका है, अब इसके अलावा कोई देखने वाला भी नहीं, सिर्फ अर्श वाला रब देखना है। इसीलिए तो आका अली सलातो सलाम ने सैयदुना अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था इत्तकिल्ला हैसुमा कुंत। ए अबू ज़र, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है किताबुल बिर्र वसिला के अंदर, ए अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हु, जहां कहीं भी हो, खलवत की जिंदगी हो, जलवत की जिंदगी हो, दोस्तों में बैठा हो, फैमिली में बैठा हो, जंगल भी याबान हो, सहराई इलाका हो, गारों के अंदर हो, जहां भी हो, तेरे दिल में डर अल्लाह का होना चाहिए। इत्तकिल्ला हैसुमा कुंत, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन, जहां कहीं भी हो, सिर्फ लोगों के सामने नेक नहीं बनना, लोगों के सामने यह जाहिर नहीं करना कि मेरे से ज्यादा मुत्तकी कोई नहीं है, जहां भी हो तेरे दिल में अल्लाह का डर हो। इस खतून ने कहा इत्तकिल्ला, इस शख्स ने बदकारी करना चाहता है, गुनाह का मौका है, और उसी वक्त दिल में ख्याल आ गया कि अल्लाह से डर जाऊं, अल्लाह से डर गया, अब गार में फंसा हुआ है। कई बार ये वाक्य आप सुन चुके हैं, गार में फंसा हुआ है और अल्लाह के सामने अपनी नेकी क्या पेश करता है, अल्लाह फला मौके के ऊपर मैं गुनाह करना चाहता था, बदकारी करना चाहता था, लेकिन तेरा डर मेरे दिल में आ गया, मैंने अपनी तन्हाई को, अपनी खलवत को, अपनी प्राइवेसी को, अपनी अलायदगी को अल्लाह तेरे डर की वजह से पाक कर लिया, जिना से उसको गुना उलूदा नहीं किया। अल्लाह अगर तेरे डर की वजह से तुझे राजी करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए मैंने ये गुना तर्क किया है, अल्लाह आज इस मुसीबत से निकाल दे। प्यारे आका अली सलातो सलाम फरमाते हैं वो जो भारी चट्टान उस गार के मुंह के आगे आके गिर गई थी और ये तीनों ने जोर लगाया, पीछे नहीं हट रही थी, सिर्फ इतनी दुआ की है, अल्लाह ने उस चट्टान को पीछे कर दिया, अल्लाह ने उस चट्टान को पीछे कर दिया।
फिर दूसरे ने अपना अमल रखा, फिर तीसरे ने अपना अमल रखा, और वो बड़ी भारी चट्टान खुद ब खुद गार के मुंह से अलग हो जाती है और ये तीनों लोग वहां से सलामती के साथ निकल जाते हैं। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ। जो अल्लाह से डर जाता है, तकवा इख्तियार कर लेता है, जहां भी हो अल्लाह से डरने वाला हो, मुश्किल आती है अर्श वाला रब निकाल देता है और वहां वहां से अल्लाह रिज़्क के बंदोबस्त करता है। आज अगर हम तकवा इख्तियार कर ले, आज अगर हमारे दिलों में सही मानों में अल्लाह का डर और खौफ आ जाए तो अल्लाह आज भी अपनी बातों में उसी तरह सच्चा है जिस तरह उस वक्त सच्चा था। अल्लाह अपने वादों से इन्हराफ नहीं करता। हम अपने वादों से फिर चुके हैं, हमने झूठे वादे किए अल्लाह के साथ, हमने झूठी बातें की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इसलिए आज हमारे मुआमलात खराब है। अल्लाह वहां वहां से रिस्क देता है जहां से कभी हमने सोचा भी नहीं होता। जो अलैदगी में तन्हाई में अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसे इनाम क्या देता है दुनिया के अंदर, अल्लाह मुश्किलात से निकालता है। आए तारीख का एक और वाकया आपके सामने रखता हूं, यह भी बड़ा मशहूर वाकया है लेकिन मेरे मौजू के साथ इसकी मुनासबत और ताल्लुक क्या है इस पे गौर कीजिएगा। अगर तकवा, अगर परहेजगारी, खलवत में अल्लाह का डर किसी बंदे में आ जाता है तो ये डर और ये तकवा आने वाली नस्लों को भी संवार देता है। तबकात इब्ने साद जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 330 पे बड़ा मशहूर वाकया, सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ा के दौरे हुकूमत में एक औरत अपने घर में अपनी जवान बेटी को कहती है, रात का बिल्कुल आखिरी पैर है, फजर होने वाली है और खलीफतुल मुस्लिमीन गलियों में गश्त कर रहे हैं ताकि मुझे पता चले मेरी रियाया किस हाल में है। आज तो हुक्मरानों को इस चीज की फिक्र नहीं होती, कोई मरता है तो मर जाए, बस हमारे पास पैसे होने चाहिए, हमारे पास डॉलर्स होने चाहिए। सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वारजा इसी तरह गश्त कर रहे हैं और घर से आवाज आती है, रात का अंधेरा है, बस सुबह होने वाली है। माँ बेटी से कहती है, बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है, ए मेरी माँ, सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला नो का दौरे हुकूमत है, दौरे खिलाफत है, उन्होंने रोक रखा है कि कोई मिलावट ना करे, कोई दूध में पानी ना मिलाए। मां कहती है, उमर रात का वक्त है, सोया हुआ होगा, उमर कौन सा आपको देख रहा है, उमर कौन सा देख रहा है। रजी अल्लाह तआला आगे से बेटी क्या कहती है, बेटी कहने लगी, ए मेरी मां, अगर उमर नहीं देख रहे तो उमर का रब तो देख रहा है, उमर का रब तो देख रहा है, कोई देखे या ना देखे मेरा रब तो हर वक्त देखता है। मेरे नौजवान भाइयों, जब हाथों में मोबाइल लेके रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में, सर्दियों का मौसम हो, अपना कंबल और लिहाफ अपने चेहरे पे लेके माँ बाप को धोखा देके मेरी जवान बहन, मेरा भाई, बेटी, बेटा वो कैसी कैसी वेबसाइट विजिट करते हैं, कौन कौन सी गंदी साइट देखते हैं, असल में दिल में अल्लाह का डर ही नहीं होता। अगर उस वक्त मेरे नौजवान भाई और बहन के दिल में, मेरे दिल में यह बात आ जाए कि कोई देखता है या नहीं देखता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो देखना है, जिसने मुझे पैदा किया वो तो मुझे हर वक्त देख रहा है। पानी नहीं मिलाया, सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला नो
फजर के लिए चले जाते हैं, दिन हुआ पता करवाया इस घर में रहता कौन है, पता चला एक बेवा और एक जवान बेटी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई। आप अंदाजा करें जब इंसान अल्लाह से डरने वाला बन जाता है, खलवत में गुनाहों से रुक जाता है। और यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी कि जिनकी नेकियां पहाड़ों के बराबर, लेकिन अल्लाह गर्दो गुबार बना के हवा में उड़ा देगा। असल में ये वही लोग जब ये अलैदगी में, ये अलैदगी में होते थे, गुनाह का मौका मिलता था, हरामकारी का मौका मिलता था, ये एक लम्हा के लिए भी सोचते नहीं थे, गुनाह कर जाते थे। पता करवाया और फिर अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया। क्या उस बेटी ने, क्या हमारी उस बहन ने यह सोचा था कि खलवत में, तन्हाई में अगर मैं अल्लाह से डरूंगी तो इसके बदले में अल्लाह मुझे वक्त के हुक्मरान की बहू बना देगा? उसने सोचा भी नहीं था। जब इंसान सिर्फ अल्लाह से डर के काम करता है, अल्लाह से डर के गुनाह को छोड़ता है, तो फिर इंसान को पता नहीं होता कि अल्लाह इसको क्या मुकाम देगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो की बहू बन जाती है, वक्त के हुक्मरान है। वक्त चलता रहा और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो की पोती पैदा होती है। इस बहू से बेटी पैदा होती है जिसकी शादी अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला के साथ होती है। अल्लाह ने बेटा दिया, नाम रखा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह। और मैं इशारा कर चुका हूं आगाज में कि सैयदुना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला इस कदर अल्लाह से डरने वाले थे कि इनकी बीवी कहा करती थी, सीरते उमर बिन अब्दुल अजीज में लिखा है, कहा बाकी नेकियों में दुनिया के लोग आगे निकल सकते हैं लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिस कदर अल्लाह से डरते हैं, मैंने इनसे बढ़कर कोई अल्लाह से डरने वाला देखा ही नहीं है। नस्ल दर नस्ल फवायद अल्लाह से खलवत में, तन्हाई में डरने के इस कदर फायदे। अल्लाह जलवत को कैसे रोशन करता है कि वो एक गरीब खानदान की, आज लोग तरसते हैं कि किसी अमीर खानदान में हमारी बेटी का रिश्ता हो जाए, लेकिन ये तो किस्मत की बात है, ये तो ताल्लुक बिल्ला की बात है। जो अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम कर लेता है, अल्लाह फिर बुलंदियां भी तो देता है, अल्लाह फिर उरूज भी तो देता है, अल्लाह फिर इस्ते भी तो देता है। सारी दुनिया मिलके उसको जलील करना चाहती है, लेकिन अर्श वाला रब ऐसी इज्जत देता है कि लोग सोच भी नहीं सकते। इसी तरह एक और वाकया अलामा अल्बानी अस-सिलसिलातु सहिया के अंदर नकल फरमाते हैं। इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अपनी किताब सिफातु सफवा के अंदर लिखते हैं, एक बकरियां चराने वाला मदीने का बशिंदा है और किसी चौधरी का गुलाम है, उसकी बकरियां चराने के लिए सहराई इलाके में फिर रहा है। सैयदुना नाफे रहमतुल्लाह ताला जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला नुमा के गुलाम थे, कहते हैं हम खाना खा रहे थे, खाना खा रहे थे, ये पास से गुजरा चरवाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला नुमा कहने लगे, ऐ बकरियों के चरवाहे, सुबह से घर से निकला है, खाया पिया कुछ नहीं, आओ हमारे साथ खाना खा लो। कैसा तकवा था। कहने लगा इन्नी साइम, ऐ अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नुमा, मैं तो रोजेदार हूं, मैं रोजेदार हूं, सहराई इलाका हो और अरब की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और फिर सहराई इलाके में गर्मी और होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने सोचा कितना बड़ा ये नेक अल्लाह का वली है, क्यों ना हो इसके ईमान का इम्तिहान ले लिया जाए। कहने लगे चलो ठीक है, ऐसा करो
ये एक बकरी हमारे हाथों फरोख्त कर दो, हम इसको ज़िबा करेंगे, गोश्त बनाएंगे, खुद भी खाएंगे, तुझे भी देंगे, तू रोज़ेदार है, बकरी के पैसे भी ले लो, कीमत भी ले लो और गोश्त भी ले जाना, अफ्तारी के वक्त भून के गोश्त खा लेना, अफ्तारी कर लेना। ये बकरियों का चरवाहा कहता है, ये बकरियों का मालिक मदीने में बैठा हुआ है, मैं बकरियों का मालिक नहीं हूं। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, आपका मालिक कौन सा देख रहा है? कहने लगे, अगर मेरा वो मालिक मुझे नहीं देख रहा तो मेरा रब तो मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। ये है गुनाह का मौका मिले और इंसान के दिल में अल्लाह का डर हो। असल में अल्लाह के जिक्र की एक किस्म यह भी है कि जहां कहीं भी कोई मसला पेश आ जाए, इंसान कहे मेरा रब मुझे देख रहा है। ये असल में जिक्र है अल्लाह का, अल्लाह को हर वक्त याद रखना। लेकिन हम गुनाहों की लसत में इस कदर पागल हो जाते हैं कि उस वक्त हमें गुनाह याद ही नहीं रहता, हमें अल्लाह का डर याद ही नहीं रहता। कहने लगे, कह देना भेड़िया आया था, बकरी उठा के ले गया। कहने लगा, मालक को मुतमिन कर लूंगा लेकिन अर्श वाले रब को क्या कहूंगा। सैयदुना नाफे रहिमहुल्लाह ताला कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला नु मां ने जब ये जुमला सुना तो बार बार कहते जा रहे थे, मेरा रब तो देख रहा है, मेरा रब तो देख रहा है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की आंखों से आंसू बह रहे, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और एक ही जुमला कहते जा रहे हैं। शाम को वापस आए, पता करवाया ये गुलाम किसका है, पता चला फुलां का गुलाम है। उसके पास चले गए, बकरियां भी खरीद ली, गुलाम भी खरीद लिया और बाद में उस गुलाम को बुला के कहा कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया और उस वक्त तूने एक बकरी का सौदा नहीं किया, उस वक्त गुलाम था, ये सारी बकरियों का मालिक तुझे बना दिया है। और जुमला बड़ा काबिले गौर है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नुमा कहते हैं, तेरे इस जुमले में इस कदर ताकत है, इस कदर कुवत है, मुझे अल्लाह पर यकीन है कि जिस तरह तेरे इस जुमले ने तुझे दुनिया में आजाद करवा दिया है, कल क्यामत को भी तेरा यह जुमला जहन्नम से आजाद करवा देगा। अपनी खलवत को पकीजा करके देखे तो सही, अगर खलवत को पकीजा बना लेते हैं, जलवत को अल्लाह खुद ही बेहतर कर देता है। देखो कितना बड़ा इनाम मिला और इस बंदे ने, इस अल्लाह के वली ने सोचा भी नहीं था कि मैं तन्हाई में अल्लाह से डरूंगा, आजाद भी हो जाऊंगा और जिन बकरियों को गुलाम बन के चरा रहा हूं उनका मालिक भी बन जाऊंगा। इंसान की खलवत आज गुनाह आलूद है, आज हमारी तन्हाइयां गुनाहों से भरी हुई है। जब इंसान खलवत में डरता है, अल्लाह अर्श पे उसके तस्करे करता है, अल्लाह उसको मुकाम ऐसा देता है कि दुनिया में मिस्र के तख्त पे यूसुफ को बिठा देता है। खलवत में डरे थे, अजीज मिस्र की बीवी ने दरवाजे बंद कर लिए थे, हई तलक कहा था, आगे से जवाब आया, قال ماذا الله, मुझे बुराई की दावत देती है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे उससे बड़ा डर लगता है। खलवत में यूसुफ अलैहिस्सलाम डरे, अल्लाह ने कहा मैं इसकी कीमत डालूंगा, मैं आपको इसका मुकाम दूंगा और अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बना दिया। खलवत में डर के देखे तो सही, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खलवत का एक और फायदा सुनिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, क़यामत का दिन होगा सूरज एक मील के फासले पे होगा, एक मील के फासले पे और पसीना इतना होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी की नाफ तक और किसी की ठोड़ी तक और किसी के मुंह को पसीने ने लगाम डाली होगी।
इस कदर गुनाहों में, जिस कदर गुनाह होंगे उसी कदर पसीने के अंदर गोते खा रहे होंगे, लेकिन उस बंदे की जिंदगी के और उसके मुकाम के क्या कहने जब अरबों खरबों लोग आज सिर्फ 7.25 अरब आबादी है, उस वक्त सारी कायनात के लोग खड़े होंगे अल्लाह के दरबार में। अल्लाह प्रोटोकॉल देगा, अल्लाह आवाज लगाएगा, कहां है वो मेरा बंदा जो दुनिया में रहते हुए खलवत में डरा था, खलवत को पाक किया था, आज मैं उसको अपने अर्श का साया नसीब करता हूं। ورجل ذاته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله। ओ मेरे नौजवान भाइयों, आज हम किन चक्रों में पड़ गए, आज इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया, आज ख्वातीन के पीछे हम भागते हुए नजर आते हैं। अगर दुनिया में अपनी जिंदगी को पाक कर लेंगे, आज एमपीए एमएनए से सलाम लेने पे फख्र करते हैं कि हमारा ताल्लुक किसी एमपीए चेयरमैन के साथ है। जरा सोचिए, अगर दुनिया में ताल्लुक अल्लाह से बनाएंगे तो क्यामत वाले दिन अल्लाह प्रोटोकॉल कैसा देगा, सबके सामने बुलाएगा और लोग धूप में खड़े होंगे, अल्लाह इसको अपने साए के नीचे खड़ा कर देगा। कौन सा बंदा, वह रजुलन दातु इमरतुन जातु मनसबिन व जमालिन फकाल इन्नी अखाफुल्ला, वो आदमी जिसको किसी हसीन खूबसूरत औरत ने बुराई की दावत दी, फकाल इन्नी अखाफुल्ला, कहने लगा मैं अल्लाह से डरने वाला हूं। अल्लाह को इसका जुमला इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे खड़ा कर देगा। और इसी हदीस में सातवां बंदा, वह रजुलन ज़ाकरल्लाह खालिया, तन्हाई और खलवत को अल्लाह की याद में गुजारने वाले हम बन जाए, कीमत मेरा रब डाल देगा। कहा वह रजुलन ज़ाकरल्लाह खालिया, वो बंदा जो तन्हाई में, अलैदगी में, रात की तारीकी में, रात के अंधेरों में लोग सोए हुए हैं, ये तन्हाई में गुनाह नहीं करता, ज़ाकरल्लाह खालिया तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का नाम लेता है, कभी सजदे में पड़ा है, कभी रकू में है, कभी हाथ उठा के अपने रब को याद करता है। फफाजत ना, आज किसी की मोहब्बत छिन जाए आंसू बहा लेते हैं, दोस्ती टूट जाए आंसू बहा लेते हैं, लेकिन अल्लाह की याद में आंसू बहा लिए, अल्लाह के डर की वजह से आंसू बहा लिए। अल्लाह के नबी अली सलातो सलाम फरमाते हैं, ये तन्हाई में रोने वाला अल्लाह क्यामत वाले दिन अपने अर्श के साए के नीचे खड़ा कर देगा। खलवत में पकीजगी, वमन खाशी अर्रहमान बिल गईब वजा अभी कल भी मुनीब, सूरह कौफ आयत नंबर 34, 33 और 34 को पढ़िएगा। कहा जो रहमान से तन्हाई में डरता है, गैब के दो मतलब है, अल्लाह को बिन देखे भी डरता है और वहां भी डरता है जब वो अकेला होता है। और डरता किससे है, रहमान से। अहले इल्म ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अल्लाह की सिफत रहमान के आने का मतलब यह है, हालांकि उसको पता है मेरा रब बड़ा रहम करने वाला है, मुआफ करने वाला है, इसके बावजूद भी यह रब से डरता है। हम कहते कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, हम कहते खैर है। कहा मन खशियर रहमाना बिल गईब व जा अब कल्ब मुनीब, रुजू करने वाला, अल्लाह की तरफ माइल होने वाला दिल रखता है और तन्हाई में रहमान से डरता है। अल्लाह के कुरान में लिखा है, अल्लाह ऐलान करेंगे रोजे कयामत, उदखुलूहा बिसलाम, आज अल्लाह की तैयार करदा नेमतों वाली जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ज़ालिका यौमुल खुलूद, ये दिन ऐसा है, एक बार दाखला मिलेगा, हमेशा हमेशा इसी में रहोगे, हमेशा हमेशा इसी में रहोगे, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूं कि तन्हाई और खलवत में डरने के फायदे दुनिया में भी मिलते हैं, आखिरत में भी मिलते हैं, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह तन्हाई में डरने वालों से राजी हो जाता है।
और ये सबसे बड़ी नेमत है। सही बुखारी की रवायत है व रिजवानु मिनल्लाह अकबर की तफसीर में इमाम बुखारी किताबु तौहीद में और बाबु कलामिर रब्बी मा आहलिल जन्ना कायम करते हैं और मुर्जिया का मोतजिला का जवाब देते हैं जो अल्लाह की सिफते कलाम के मुनकर है उनको बता रहे हैं कि रब कियामत वाले दिन भी अहले जन्नत से कलाम करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे हर तरह की नेमत मिल जाएगी, अल्लाह इनसे पूछेगा कुछ और चाहिए, कोई और नेमत तुम्हें मिलनी चाहिए, ख्वाहिश करो। कहेंगे अल्लाह ऐसा तूने जो कुछ हमें चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। फला तालमु नफ्सु मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, हमारी आंखों की ठंडक किन इन चीजों में अल्लाह ने छुपा के रखी हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। अल्लाह सब कुछ तो दे दिया है अब जरूरत ही नहीं है, अल्लाह कहेंगे नहीं एक चीज बाकी है और वो क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये सबसे बड़ी नेमत जन्नत में होगी। अल्लाह कहेगा ऐ जन्नत वालों आज मैं तुमसे राजी हो गया हूं, आज के बाद कभी नाराज नहीं होऊंगा। इन्नल्लज़ीन आमनु सूरह अल-बय्यिना आयत नंबर 7 और 8 को पढ़िएगा, इन्नल्लज़ीन आमनु वअमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो ईमान वाले होते हैं नेकियां करने वाले होते हैं, अल्लाह का कुरान शाहिद है का कायनात में जितनी मखलूकात है इनसे बेहतर कोई मखलूक ही कोई नहीं, ईमान वालों से कोई बेहतर नहीं, अमल साले करने वालों से कोई बेहतर नहीं है। और आगे चल के अल्लाह कहते हैं जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, इनको अल्लाह के यहां बड़ी जजा मिलने वाली है, बड़ा अजर मिलने वाला है, जन्नातु अदन हमेशा हमेशा की जन्नत, खालिदीन फीहा अबदा तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा आबादा हमेशा हमेशा इस जन्नत में रहेंगे, रजी अल्लाहु अन्हुम वरजू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए, ये इनाम मिला क्यों? आखिरी जुमला और हमारे मौजू का इख्तिताम, बातें और भी बड़ी हैं, फरमाया ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये मुकाम सिर्फ उसे ही मिलेगा जो अपने रब से डरता है। इसलिए मेरे भाइयों हमें भी चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह से डरने वाले बन जाए और हर वक्त हमारे दिलों में अल्लाह का डर हो, खौफ हो, खासकर खलवत की ज़िंदगी में, तन्हाई के लम्हात में और अलहदगी की जो हमारी ज़िंदगी है जिसको हम प्राइवेसी कहते हैं और उस प्राइवेसी में हम किस किस तरह की अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, अगर उस खलवत की ज़िंदगी में तन्हाई की ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानियाँ की तो फिर ज़ाहरी नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, सदका खैरात, वाज़ो नसीहत, ये सारी की सारी नेकियाँ ज़ाया हो जाएंगी, अल्लाह इनको गर्दो गुबार बना के हवा में उड़ा देगा और यकीनन जिसकी नेकियां ख़त्म हो गईं वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। अल्लाह हमें अपनी खलवत को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे नौजवान भाई बहनें बेटियां बेटे उनकी ज़िंदगियों में, मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगियों में कई बार ऐसे लम्हात आते हैं, ये मोबाइल इस कदर फितना है कि कोई अच्छी चीज़ देखने के लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी सामने आती है, लिहाजा हमारे ईमान का इम्तिहान होता है अगर हम उससे सरफे नजर करते हैं, ध्यान फेर लेते हैं, उस वेबसाइट को, उस ऐप को और उस कमर्शियल ब्रेक को साइड पे कर देते हैं तो फिर हम बच जाएंगे। और अगर हमने इंजॉय करने के लिए कौन सा इरादा तन देख रहे हैं, बस सामने आ गया है थोड़ी देर देखो तो सही इसमें है क्या, अगर ये कैफियत पैदा हो गई तो फिर हमारा ईमान कमजोर है और ऐसा ईमान क्यामत वाले दिन हमें आग से नहीं बचा सकेगा। अल्लाह हमें सही ईमानों में कुरान और सुन्नत की समझ अता फरमाए और कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए।